हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको साधारण ब्याज हल करना सिखाता हूँ। आप जो नीचे दिया गया है रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को दबाइए। तो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है 6000 रुपये का 6% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें देखें कि मूलधन कितना दिया है 6000 रुपये और दर कितना दिया है 6%, समय 8 माह। हल, तो सबसे पहले लिखें मूलधन। तुम्हारा मूलधन कितना दिया है 6000 रुपये। उसके बाद दर, दर कितना दिया है 6%, और समय, समय कितना दिया है 8 माह। तो जिस 8 माह को हम वर्ष में चेंज करेंगे तो वर्ष में कितने महीना होते हैं 12, तो 8 में 12 का भाग देंगे। इसको 4 से काट देंगे तो कितने कट रही है 2 बार, इसको 4 से काटें तो 3 बार, तो 2/3 हमारी क्या निकल गया, ये वर्ष निकल गया ये। तो साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे में 100। तो सबसे पहले देखें कि इसमें मूलधन कितना दिया है 6000 रुपये और दर कितना दिया है 6%, और समय, समय हमारा 2/3 वर्ष। तो 6000, दर कितना दिया है 6%, और समय 2/3, बट्टे में 100 की 100, इसमें गुणा हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 3 से 6 कितने कटेगी 2 बार। तो अब संख्या क्या बची है, यहाँ बस बची है 60, यहाँ 2 2 से गुणा करें तो 4, 4 से और 6 से गुणा करें तो 240 रुपये हमारा क्या निकल गया है, ब्याज निकल गया है, यही हमारा आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है 4000 रुपये का 12% की दर से 18 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें देखेंगे कि मूलधन कितना दिया है 4000 रुपये और दर कितना दिया है 12%, और समय 18 माह। तो सबसे पहले मूलधन को लिखेंगे, मूलधन कितना दिया है 4000 रुपये और दर 12%, और समय 18 माह। इस 18 माह को हम वर्ष में चेंज करेंगे, तो वर्ष में चेंज करने के लिए 18 में हम 12 का भाग देंगे, 18/12। इसको 6 से काटेंगे तो 18 कितने कट रही 3 बार, इसको काटेंगे तो 2 बार, तो 3/2 हमारी क्या है वर्ष निकल के आई है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे में 100। तुम्हारा मूलधन कितना दिया है, मूलधन 4000 रुपये, दर कितना दिया है 12%, समय कितना निकल गया है हमारा 3/2 बट्टे में 100 की 100, इसमें इसका गुणा हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 से 12 काटें तो 6 बार, ऊपर संख्या क्या बची है, यहाँ 40 बची है, और 6 से 3 से गुणा करेंगे तो 18 18 4 72, तो 720 रुपये हमारा क्या निकल के आया है, ब्याज निकल के आया है, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है 2500 रुपये का 5% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें देखें हैं कि मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन
कितना दिया है 2500 रुपये। उसके बाद दर कितना दिया है, दर दिया है 5%। उसके बाद समय, समय कितना दिया है 219 दिन। हम दिन को वर्ष में चेंज करेंगे तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, तो 219 में 365 का भाग देंगे, ये हमारी क्या निकल जाएगी, वर्ष निकल जाएगी। अब हमारा साधारण व्यय का फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे में 100। तो मूलधन कितना दिया है 2500 रुपये, दर कितना दिया है 5%, और समय कितना दिया है 219 बट्टे 365 बट्टे में 100 की 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 से इसको काटें तो कितनी कटेगी 73 बार, और 73 से 219 को काटें तो कितनी कटेगी 3 बार। तो ऊपर संख्या क्या बची है 25 गुणा 3, तो 25 दिया 75 रुपये हमारा क्या निकल गया है, ब्याज निकल के आया है, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।